बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है मसाले भरे करेले। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मसाले भरे करेले बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मुयस्सर हैं और आप साथ शेयर करते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं। तो हमारे पास पहले जो है वो करेले मौजूद हैं और उसके साथ टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, प्याज है और खुश्क धनिया है और हरा धनिया भी है। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और सबसे पहले हम जो है मसाला बनाएंगे। करेलों को भरने के लिए हम पहले मसाला बनाएंगे, फिर उसमें हम बाद में आपको दिखाते हैं कि उस। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे खुश्क धनिया। अब हम इसको ऐसे पीसेंगे। अब इसके बाद हम जो है वो प्याज में मिलाकर मिक्स कर और इसके साथ इसे पीसेंगे। और अब इसके बाद जो है हम इस तरह निकाल लेंगे। जो है वो टमाटर काटेंगे, छोटे छोटे टमाटर काटेंगे हम इसे। हरी मिर्च काटेंगे, ये काटेंगे, ये भी डालेंगे। जो है वो एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। एक चुटकी हल्दी की, जो है वो गरम मसाला भी डालेंगे। और ये देखें, ये मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें करेलों को हम ऐसे करके ऐसे काटेंगे। अब इसे खोलकर हम इसमें से जो बीज है वो निकाल लेंगे। ये देखें, और इसके लिए हमें एक नलकी की भी ज़रूरत है, जो जिस पर धागा होता है एक नलकी वो लगाकर इसे खूब रगड़ कर धोना है ताकि ये स्किन की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। ये उनको अच्छी तरह धो ले ताकि ये देखें मसाला डालेंगे। और अब हम इसको ले जो धागा हमने रखा था, ये देखें थोड़ा सा धागा खोल से करके लपेट देंगे ताकि ये तलते वक्त कढ़ाई में बिखर ना जाए। ये इसलिए ज़रूरी होता है। देखिए व्यूअर्स, हमने करेले जो है वो मसाले से भर लिए हैं और अब हम इसे तलेंगे। इससे पहले हमने आग जलानी है चूल्हे में और इसके बाद हमने जो है इसके ऊपर कढ़ाई रखनी है। हमने घी डालना है और
तकरीबन एक पाव घी का डालेगा इसमें। और अब हम इसमें करेले डालेंगे। तो देखिए अब हमने इसमें करेले डाल दिए। तकरीबन आधे घंटे तक ये तलेंगे। काफ़ी देर इनको तलना पड़ेगा ताकि ये करेले भी गल जाएं और इसके साथ साथ जो मसाला है वो भी गल जाए, पक जाए इसी तरह। ऐसे हिलाते हैं ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। अभी बस देखें कि हमारे करेला जो मसाले भरे करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे डिश में। इसे उतारेंगे। ये देखें अब हम इन्हें डिश में निकालेंगे। ये देखें अब इन्हें हम खोलेंगे ऐसे करके। तो अभी बस उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।